हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनेमिक स्टडीज। आज की हमारी वीडियो सीटेट लर्नर्स के लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर वन एंड पेपर टू के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी एट लीस्ट 50%। जिन लोगों के पास सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी है तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रियल एड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होती है। अगर आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा लिया है और आपने वो पास कर चुके हो आप, और अगर आप अपीयरिंग भी सेकेंड ईयर फाइनल में हो तो भी आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 45% क्राइटेरिया रिजर्व कैटेगरीज के लिए रखा है। अगर आपके पास SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपने सीनियर सेकेंड ईयर 45% मार्क्स क्लियर किया है तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। अगेन 50% क्राइटेरिया किया है फॉर पास सीनियर सेकेंडरी एज वेल एज अगर आपको 4 ईयर्स का BEd की डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। अगेन 50% क्राइटेरिया आपका रखा है सीनियर सेकेंडरी हैविंग 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में अपना डिप्लोमा लिया है वो लोग भी CTET पेपर वन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएशन डिग्री की। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन कोर्स में ग्रेजुएशन डिग्री हैविंग 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगेन DLED की अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के लिए। उन लोग हैं जो पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि पेपर सेकंड के लिए अगर आपने BEd की डिग्री ली है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेपर वन के लिए ही अप्लाई करेंगे। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ग्रेजुएट डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन मस्ट बी ऑब्टेन। अगर आपने 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपने बैचलर डिग्री अगेन 50% मार्क्स के साथ विद 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन दैट मीन्स BEd की अगर आपके पास 1 ईयर की डिग्री है तो भी आप इसके लिए पेपर सेकेंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अगर हम बात करें 45% क्राइटेरिया अगेन SC ST OBC रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन दी गई है पेपर सेकंड के लिए। आपके पास BEd डिग्री है एंड आपने 45% मार्क्स लिए हैं ग्रेजुएशन में और आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आप पेपर सेकंड के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। अगर आपने 4 ईयर्स डिप्लोमा विथ सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स किए हैं जी तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं BSc BA BEd एंड BSc। BSc जो हमारे साइंस साइड के बच्चे अप्लाई करते हैं तो अगर उन्होंने भी 50% सीनियर सेकेंडरी में लिए हैं हैविंग डिग्री ऑफ 4 ईयर्स तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात अपना ये ध्यान रखें, अगर आपने क्लियर किया हुआ है और अगर आप अपीयरिंग कर भी रहे हैं फाइनल ईयर्स में तो भी आप CTET पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे कुछ इसकी हाइलाइट्स देखते हैं और CTET पेपर 2019 दिसंबर की। तो ये बात करते हैं इसकी मोड ऑफ एप्लीकेशन की। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन पर ऑनलाइन रखा है। अब ऑफलाइन पेपर्स को आप फिलअप नहीं कर सकते। इस पेपर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको लैंग्वेज भी इंग्लिश और हिंदी मिल जाती है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटा आपको पेपर के लिए दिया जाता है। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। सो गाइस, अगस्त 19 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है तो सितंबर 18 तक आपको फिलअप करना है। एप्लीकेशन फीस सितंबर 23 को आपको पे करनी है। और अगर हम इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो 10 नवंबर तक आपको एडमिट कार्ड को इशू कर दिया जाएगा। डेट भी फाइनलाइज कर चुके हैं, दिसंबर 8 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जनवरी 15 तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आपके सर्टिफिकेट्स भी ई सर्टिफिकेट्स आपको फरवरी ऑनवर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर थी। कुछ किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको क्वेरीज होती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।